बेच रहे हैं, पर उसमें एनिमल फूड में तो होगा कोलेस्ट्रॉल, प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट इज कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है? आपके घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बहुत जबरदस्त खाई जाती है। दिस इज कॉल्ड ऑयल। ये सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप, स्वीकार, वाइटल, फॉर्चून, और ये ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान ऑयल और सोयाबीन ऑयल और जिंजली ऑयल और जितनी ऑयल आप बाजार में जानते हैं इंक्लूडिंग घी, ये सारा का नाम है ट्राई ग्लिसराइड्स। अच्छा, ये ट्राई ग्लिसराइड को कहीं जमते हुए आपने देखा है? देख के सोच के बताइए तो। जब खाना बन जाए किचन में, उसके बगल वाले, जहां पे खाना बन रहा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगा के देखिएगा, क्या चिपक रहा है आपके हाथ में? सब्जी चिपक रहा है क्या? क्या चिपक रहा है? तेल, तेल, ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, उसको सफाई नहीं कीजिए 10-15 दिन तक तो क्या होगा? वो लेयर धीरे धीरे, आपने एग्जॉस्ट फैन साफ किया किचन में कभी? क्या जमा हुआ उसमें? अच्छा, आपके हार्ट में जमा दूं तो ब्लॉकेज हो जाएगी। तो याद रखिए, फिर आपको क्या लगता है, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, खाने में तेल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, खाने में तेल चर्बी है, हाँ या ना? सब मानते हैं चर्बी है, और चर्बी हार्ट के लिए अच्छा है खराब है? खराब है, ये भी जानते हैं, तो फिर खाने में तेल क्यों डालते हैं? हमको ये समझाइए, तेल क्यों डालते हैं खाने में? टेस्ट, चलिए मान लेते हैं टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम सबको एक एक चम्मच तेल देते हैं, अपने हाथ में चम्मच चम्मच सोच लीजिए लिया, और मुंह में डाल के मुझे बताइए किसको किसको टेस्ट अच्छा लगा। एक भी आदमी कभी हाथ नहीं उठाया, बोला सर तेल का कोई टेस्ट है? अरे मैंने उंगली में डाल के देखा तो पूरा उल्टी आ जाए, ऐसी टेस्ट है, उसमें कोई टेस्ट होता ही नहीं है। मैं बोला आप तो अभी बोल रहे थे टेस्ट होता है ऑयल का, इसीलिए डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऑयल का टेस्ट है क्या? नहीं है। तो फिर टेस्ट किस चीज का है? टेस्ट होता है मसालों का, मसाले का टेस्ट होता है। आपको एक काम, एक लेडी बोलती है नहीं नहीं टेस्ट तो ऑयल में नहीं होता, बनाने के बाद होता है। मैं बोला चलो आप बनाओ, आपको मैं तेल देता हूं, सब्जी देता हूं, और आपको मैं उसमें नमक, मिर्ची और मसाले डालने नहीं दूंगा, और प्याज और अदरक नहीं दूंगा, आप हमको टेस्ट बना के दो क्या क्या बना सकते हो, बन जाएगा ना टेस्ट? क्यों, तेल का ही तो टेस्ट है ना। टेस्ट है मसालों का। आप सब्जी बनाइए, नमक नहीं डालिए, टेस्ट नहीं मिलेगा। नमक डाल दीजिए, टेस्ट आ जाएगा। इसका किस चीज का टेस्ट है? नमक का टेस्ट है, मिर्ची का टेस्ट है, सारे स्पाइसेस का टेस्ट है। तो मैं हार्ट के पेशेंट को क्या बोलता हूं कि तेल को निकालो, बाकी सारे मसाले डालो। अब टेस्ट पूरा का पूरा होना चाहिए, पर एक प्रॉब्लम क्या मालूम है, एक लेडी को एक ही तरह का खाना बनाना आता है। कैसा? उसने छोटे से यह सीखा था कि खाना बनाओ, कढ़ाई चढ़ाओ, उसमें पहले तेल डालो। मदर को पूछती है कौन सा तेल डालो, बोलो किसी भी कंपनी का डाल देना, तेल के ऊपर सारे मसाले डालना तभी खाना बनेगा। अच्छा, वो लेडी के दिमाग में एक सेट हो गया कि तेल के ऊपर ही मसाले डाली जाती है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं तेल नहीं डालना तो वो क्या करती है, उबाल के, बॉयल करके वेजिटेबल हस्बैंड को खिला देती है। अच्छा, हस्बैंड को टेस्ट आएगा ना, बहुत अच्छा सब्जी, उसने तेल तो हटाया, मसाले भी सारे हटा दिए, और टेस्ट हो गया जीरो। अच्छा, हस्बैंड को खाना में टेस्ट तो आएगा ही ना, एकदम नहीं आएगा। अच्छा, मन मन में खाएगा तो सही, हार्ट की बीमारी है, डर के क्या करता आदमी, मरता तो कुछ तो खाएगा। अच्छा, खाएगा, गाली किसको देगा? डॉक्टर को, कि इस डॉक्टर ने मेरा जिंदगी। अच्छा, गलती किसका, गाली कौन खा रहा है, सोच रहे हैं आप? गलती किया वाइफ ने कि जब तेल हटाने बोला मसाले भी हटा दिए, और गाली कौन खा रहा है? जिंदगी भर डॉक्टर को कोसता रहता है पेशेंट कि ये आदमी ने मेरा जिंदगी। अरे ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है, खाली एक ही चेंज करो कि तेल बिना सारे मसाले को भूनना सीखो। मैं हार्ट के पेशेंट को ये सिखाता हूं कि खाना बनेगा कैसे विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, बट द टेस्ट शुड बी एग्जैक्टली सेम। अगर खाने में नमक हो, मिर्ची हो, सारे मसाले हो, मसाले को भून लिया, और उसको भूनने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जानते क्या है? पानी। अब लोग बोलते सर पानी में कैसे, कोई ना कोई तो तेल डालोगे। मैं बोला एक काम करते हैं, पानी का नाम बदल के सावल ऑयल रख देते हैं, और आपके घर पे फ्री सप्लाई। अब कौन सी तेल यूज करेंगे? सावल ऑयल। सबके घर पे है सप्लाई? मेरे ऑफिस में आजकल फोन आता है कि डॉक्टर छाजड़, आप जो ऑयल रिकमेंड करते हैं वो कितना रुपए का किलो है, और मुझे 2-4 टीना चाहिए। मैं बोला मेरी वाली ऑयल आपके घर पे ऑलरेडी सप्लाइड है, अपना टैप खोलो और भर लो जितना चाहिए। तो याद रखिएगा, मुझे खाने में सारे चाहिए मसाले, टेस्ट सारे चाहिए, सिर्फ ऑयल नहीं चाहिए। और टेस्ट अगर सेम हो तो आपको क्या, आप बोलिए आपको टेस्ट चाहिए तेल चाहिए? लोग बोलते क्या क्या बन सकता है, तो वी क्रिएटेड
1000 recipes. ये मेरी recipe books है. ये देखिए zero oil cookbook. This book is available in Bombay, widely available. ये this is called zero oil cookbook. ये English में है, फिर इसको हिंदी और इसको गुजराती में भी बनाई गई है. गुजरात में एक है वो RR Seth & Company, उन्होंने गुजराती में मेरे सारे ट्रांसलेट करके बुक बनाया है. 200 तरह का आइटम तो इसमें हमने दिया हुआ है. अब लोगों ने बोला सर चलिए मैं सब्जी रोटी चावल दाल तो खा लूंगा, पर ये समोसे और कचौड़ी का क्या होगा? जीरो ऑयल स्नैक्स 151 टाइप्स. फिर लोगों ने बोला सर लड्डू पेड़ा और जलेबी का क्या होगा? देन वी क्रिएटेड 150 मिठाइयां स्वीट्स विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल. फिर लोगों ने साउथ इंडियन वालों ने बोला हमारा क्या करेंगे, तो हमने 150 तरह के साउथ इंडियन डिशेस बनाए विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल. एंड देन जीरो ऑयल थाली. थाली में सारे आइटम जीरो ऑयल होना चाहिए. टेस्ट अगर सेम है, मसाले अगर सारे प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही तो चीज निकाल रहा हूं ऑयल, वही चर्बी है, वही ब्लॉकेज बनाता है. तो आपको समझ आ रहा है कि इसका कंसेप्ट क्या हमारी है, जीरो ऑयल फूड. तो दो चीज मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई, एक तो कोलेस्ट्रॉल जो कि है नॉन वेजिटेरियन फूड में, और एक है ट्राइग्लिसराइड जो है तेल में. अब आदमी ये भी पूछता है मुझे, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है हमारे बॉडी में तेल की जरूरत है कि नहीं है? मैं बोला हाँ ये तो जरूरत है, तो फिर कहां से आएगा? मैं बोला भगवान ने उसकी बंदोबस्त पहले से करके रखी है, हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी तेल डाल के रखी है. आपको मालूम है रोटी में 1% तेल है, चावल में 1% तेल है, दाल में 5% तेल है, हर वेजिटेबल में हर सब्जी में तेल होता है, और ये तेल हमारे लिए काफी होती है. खाने में तेल डालने की जरूरत? आदमी क्या करते हैं, थोड़ा सा डालूंगा थोड़ा सा. मैं बोला थोड़ा करके क्या करोगे, आपको तो मसाला भुनना है ना, मैं आपको पानी से भुनवा देता हूं. एंड दिस वर्क्स वेरी वेल. एनीवे इसका मैं ट्रेनिंग भी देता हूं, मैं हार्ट के पेशेंट्स को मैं बोलता हूं वाइफ को साथ लाना, मैं बना के सिखा के दूंगा, तब आपको बनाएगा और खाना खिला के दूंगा. एनीवे इसके बाद इसके छोटे छोटे और 3-4 भाई लोग हैं. ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का एक है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल. ये गुड कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज को रिमूव करने में मदद करती है, और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए यू शुड वॉक, एक्सरसाइज, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, तो आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी. और इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो, एलडीएल एंड वीएलडीएल. ये 6 को एक साथ चेक कराना हो तो इसका नाम है लिपिड प्रोफाइल. सुना आपने नाम? मेरा ब्लड में कितनी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड यू कैन नॉट से अनलेस यू टेक माई ब्लड एंड चेक एग्जामिन. तो कोई भी आदमी को बाहर से चेहरे से आप नहीं बोल सकते कितनी उसकी लिपिड प्रोफाइल है. पतला दुबला आदमी है कोलेस्ट्रॉल 300 है, पॉसिबल है? हमें 130 चाहिए, उसका 300, उसको हार्ट अटैक हो गया, पतला दुबला आदमी है. रिमेंबर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के हिसाब से नहीं, ब्लड के अंदर जितनी कोलेस्ट्रॉल होगी उतनी डिपोजिशन होती जाएगी. सो वी डू नॉट वॉन्ट कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं. जेनेटिक सुना आपने? जेनेटिक, जेनेटिक मतलब क्या? ये देखा गया पिताजी को हार्ट की बीमारी है, बेटे को भी हार्ट की बीमारी बन रही है. ये क्यों होता है? ये इसलिए होती है कि पिताजी के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था. कहां से आया ब्लड में? बोला पिताजी खूब ज्यादा फैट खाते थे, प्लस उनके लीवर में बहुत ज्यादा बनती है. अगर पिताजी के लीवर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो बेटे का भी बनावट वैसे ही है, उसके भी लीवर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है. तो बेटा क्या करे, पिताजी को चेंज करे या कोलेस्ट्रॉल को चेंज करे? तो जेनेटिक्स यू कांट चेंज. तो क्या चेंज कर सकते आप? कोलेस्ट्रॉल को चेंज करो. तो अगर कोई को जेनेटिक भी है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर दोगे तो जेनेटिक्स भी नल एंड वॉइड हो जाएगी. ये देखा गया बेटा का भी कोलेस्ट्रॉल, बेटा खा भी नहीं रहा है कोलेस्ट्रॉल वाला फूड, बट स्टिल द कोलेस्ट्रॉल इज हाई बिकॉज द लीवर इज मैन्युफैक्चरिंग लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर द सन. एंड सन कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, एक तो खाने में सारे मीट वीट बंद करें, और दूसरा वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ले लें. चलिए दो तीन चीज हो गई. नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर. हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए? 120/80. अब ये रूल है कि इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर अलाउड नहीं है. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल 140/50 है, बोलता है हाँ ये तो चलता है, अभी कुछ नहीं चलता है. याद रखिएगा हमारा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा ब्लॉकेज जल्दी होगी. क्यों होगी सोच सकते हैं आप? ब्लड प्रेशर ज्यादा है ब्लॉकेज क्यों होगी? मैं आपको समझाता हूं. ये एक सरफेस है, इसमें मैंने मारा, कुछ हुआ क्या? सरफेस को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ. क्यों? इसको धीरे से मारा. अच्छा हाँ थोड़ा लेके मारूं तो फिर डैमेज हो जाएगा. जितनी प्रेशर ये ले सकता है वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ज्यादा प्रेशर दोगे तो डैमेज हो जाएगा. हमारी हार्ट की ट्यूब 120 प्रेशर के लिए बनी है, और इसमें 140 का धक्का मारेंगे तो क्या होगा? वो डैमेज होगा, और डैमेज्ड एरिया में ब्लॉकेज. आप फ्लोर लीजिए और फ्लोर में हथौड़ा मार लीजिए 10 जगह, और धूल डाल दीजिए, धूल कहां जमेगा? जहां जहां डैमेज हुआ हुआ है. तो जबकि कोई का भी ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसका ब्लॉकेज होने का चांस बहुत बढ़ जाती है. सो प्लीज
डोंट इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर 120/80, उसके लिए सॉल्ट कम करना है, उसके लिए वजन कम करना है, उसके लिए खाना जीरो ऑयल का खा सकते हैं, उसके संग वॉकिंग करना, उसके संग आपको सिगरेट छोड़ देना, ये सब बहुत जरूरी है. सिगरेट, मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर एक किताब लिखा है कि हाउ टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर विदाउट दवाइयां. एनीवे, इसके बाद हो गया ब्लड शुगर. जिनको भी हाई ब्लड शुगर है उनका ब्लॉकेज बनने के चांस ज्यादा है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर से ब्लॉकेज बहुत जल्दी बन जाती है. इसके बाद है स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, गुटखा, ये बहुत खतरनाक होता है हार्ट के लिए, तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है. ये क्या करते हैं ये मालूम है? ये स्मोकिंग में आता है टोबैको, और टोबैको बहुत खतरनाक होता है. क्या काम करता है समझाता हूं. ये सरफेस है, इसमें मैंने धूल डाला, डस्ट, और डस्ट को मैंने क्या किया, फू करते ही डस्ट सारा उड़ गया. इसमें मैंने गोंद की लेयर लगाई, गोंद समझते हैं, गम, ग्लू स्टिक, और इसमें धूल डाला, अब क्या होगा? यही स्मोकिंग करता है. जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके ट्यूब अंदर से स्टिकी हो जाती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल जा के जम जाती है. तो आपको क्या लगता है, स्मोकिंग अच्छी हुई खराब हुई? बहुत ही खराब बात हुई. एक मेरे को जर्दा खाने वाला मिल गया. आजकल जर्दा की बड़ी चलन चलती है, जर्दा गुटखा. वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं, आप ठीक बात बोलते हैं, जर्दा गुटखा एकदम नहीं खाना चाहिए. मैं बोला आप तो खाते हो. बोलता नहीं, मैं तो मुंह में रख के मुंह से गिरा देता हूं. मैं बोला कल से जेब में रख के गिराया करो. बोलते थे मजा नहीं आता है. याद रखिए, ये जर्दा यहीं से अब्सॉर्ब हो जाता है, मुंह से ही अब्सॉर्ब हो जाता है. तो ये जो आप सोचते हो ना कि मुंह में रख के गिरा दिया तो कोई काम नहीं, वो अंदर जाके वो ब्लॉकेज बनाएगा. सो जर्दा एंड गुटखा एंड दिस सिगरेट, दे आर ऑल बैंड फॉर माय हार्ट पेशेंट्स. नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सरसाइज. आपको क्या लगता है आजकल एक्सरसाइज कम हो गई है, ज्यादा हो गई है? आज से 50 साल पहले एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, कैसे जाते थे? पैदल 10 किलोमीटर, आते वक्त 10 किलोमीटर. आजकल आधा किलोमीटर जाना हो तो कैसे जाते हैं? शहर में तो हलचल और भी खराब है. एक आदमी का सुबह से शाम तक का लाइफ देखिए, पहले नींद से उठते हैं और बेड टी पीते हैं. बेड टी पीते पीते अखबार लेके, न्यूज़पेपर लेके पढ़ते रहते हैं. न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते फिर टीवी खुल जाता है, टीवी में ब्रेकफास्ट न्यूज देखते हैं, फिर नहा धो लेते हैं, नहा धो के नाश्ता किया अच्छे से. अच्छा अब क्या काम कर, अब तक कितनी एक्सरसाइज हुई? नील. अच्छा इसके बाद अब कहां जाएंगे? ऑफिस जाएंगे, काम में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे. अच्छा जाएंगे तो जॉगिंग करते हुए या वॉकिंग करते हुए? पहले लिफ्ट से नीचे उतरेंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे. अच्छा ऑफिस पहुंचने के बाद फिर से लिफ्ट से जाके अपने चेंबर में बैठ जाएंगे और फिर फाइल खोलेंगे, फाइल बंद करेंगे. मीटिंग, ईटिंग, टेलीफोन, कंप्यूटर, सीटिंग एंड सीटिंग एंड सीटिंग, शाम तक सीटिंग का सिलसिला चलेगा. अच्छा शाम को जब घर लौट के आएंगे तब तो दौड़ते दौड़ते जॉगिंग करते हुए आएंगे ना, फिर गाड़ी से आएंगे. अच्छा आने के बाद क्या क्या मेहनत बाकी है? सोफे में बैठ जाएंगे, टीवी चालू हो जाएगा, और उसके बाद नाश्ता वास्ता चालू होगा, फिर टीवी देखते देखते फिर खाना भी खाएंगे, फिर सो जाएंगे, और इसके साथ एक हाथ में रिमोट कंट्रोल और कॉर्डलेस फोन. अच्छा आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा होगा. अच्छा इतनी कम एक्सरसाइज करेंगे तो खाने में तो चर्बी उर्बी खूब खाना चाहिए ना. आगे लेडीज लोग चक्की पीसते थे, आजकल बटन दबा देते हैं. आगे कपड़ा धोते थे, आजकल बटन दबा देते हैं. आगे आगे पोंछा करते थे जमीन में, अभी नौकरानियां रख लिया है, तो मेहनत खत्म हो गया है. और खाने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा फैट, तो हार्ट की बीमारी होने के तो पूरे चांस नहीं. इसके बाद है ओवरवेट. अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है तो हार्ट की बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट इज लो फाइबर एंड लो एंटीऑक्सीडेंट. याद रखिएगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर बहुत पाया जाता है, तो फाइबर ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए. और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये आजकल एक लेटेस्ट आइटम है जो आपको जानना चाहिए. आगे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम जानते थे, आपको याद है? आजकल है विटामिन ए, सी और ई. ये तीन विटामिन अगर खाते हैं तो आपका ब्लॉकेज बनने के चांस कम है. एंटीऑक्सीडेंट मतलब कोलेस्ट्रॉल के संग ऑक्सीजन कंबाइन करते ही कोलेस्ट्रॉल 4 गुना स्पीड से ब्लॉकेज बनाएगा. तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसी केमिकल डाली गई है जो कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन को कंबाइन करने से रोक देता है, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट. इसका नाम है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई. नाम सुना आपने? आज से बहुत साल पहले लोग खाते थे बी कॉम्प्लेक्स, बिकोसूल, कोबार्डेक्स, सोर्बेक्स टी, याद है? अब वो खत्म हो गया. अब बोलते हैं विटामिन ए खाओ, सी खाओ और ई खाओ. ये तीनों आपको बहुत बचाएगी हार्ट से. तो ये तीनों विटामिन मिलती है स्प्राउट्स में. स्प्राउट समझते हैं आप, अंकुरित दालें. इसमें मिलती है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में. सो एंटीऑक्सीडेंट जितना खाएंगे हार्ट की बीमारी कम होगी और उम्र भी बढ़ेगी नहीं. उम्र के संग संग एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कम होती है, उसको कम ज्यादा रखना चाहिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस जानते हैं आप? स्ट्रेस दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ गया क्या आजकल? किस चीज की प्रेशर बढ़ गई है आजकल?
एक तो खर्चा बढ़ता जा रहा है और इनकम उतना बढ़ नहीं रहा है, परिवार में लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं और सबकी डिमांड बढ़ रही है, मुझे मोबाइल फोन चाहिए हर महीने बदल बदल के भी चाहिए, और मुझे एक फ्रिज नहीं चाहिए दो फ्रिज चाहिए, मुझे टीवी हर रूम में चाहिए, सब चीज बदल बदल के चाहिए। तो स्ट्रेस इज अ मेजर थिंग, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हार्ट के पेशेंट्स को बताता हूं। अच्छा, इसके साथ ऐसा देखा गया, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं टाइप ए।